सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सो गाइस आप सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। और एग्जैक्टली अभी मैं कहाँ पर हूँ आप लोग यही सोच रहे हो ना? जी हाँ। तो यार आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ जयपुर के लिए, और इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि मैं जयपुर जाने वाला हूँ। तो जी हाँ, तो आज मैं निकल चुका हूँ और एग्जैक्टली अभी हम एक छोटे स्टॉप में आ रखे हैं, और जो ये मेरे पीछे ये देख रहे हैं रेस्टोरेंट, होटल एंड रेस्टोरेंट जो भी है, तो अभी हम यहाँ पर रुक रखे हैं और हमारी बस जस्ट बगल में खड़ी है, इसके बगल में ही। तो निकले हुए तो यार मैंने अभी तक जो हमने डिस्टेंस कवर कर लिया वो 140 किलोमीटर कवर कर लिया, और 102 किलोमीटर और रह रहे हैं। तो जो 102 किलोमीटर है उसको हम लगभग 2 या 2.30 मिनट में कवर करेंगे। तो चलिए फिर मैं आपको अभी अपना बस का इंटीरियर दिखाता हूँ कि बस का इंटीरियर कैसा है। बाकी हमारी जो बस खड़ी है ये खड़ी है यहाँ पे सामने, ये महारानी ट्रैवल के नाम से। तो अगर मैं इसके अंदर ही कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो मैं आपको इसके अंदर जाके दिखाता हूँ, ठीक है? ऐसी कुछ ड्राइवर सीट है। जी हाँ गाइस, तो आप ये देख सकते हैं ये 2x1 का है यहाँ पे कॉम्बिनेशन, और जैसे कि नीचे सेमी स्लीपर है और ऊपर को स्लीपर है। तो मैं आपको अपनी वाली सीट दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये है मेरी यहाँ पे सीट जो कि है ये स्लीपर, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जो नीचे सेमी स्लीपर है ये भी काफ़ी बढ़िया है बैठने में और काफ़ी कम्फर्टेबल है। तो ऐसा कुछ सीन है। तो चलो अब यहाँ से निकलता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, हमने जस्ट अभी मानेसर टोल क्रॉस किया है, और आप देख सकते हैं भाई साहब ये अपना कैबिन है छोटा सा, और धूप बहुत तेज़ हो रही है इसलिए मैंने यहाँ पर ये पर्दा लगा रखा है जैसे कि आप देख रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। क्योंकि ये देखो, अगर मैं आपको दिखाऊँ अपना ये कैबिन, ये ऐसा कुछ है बैठने का। देखो मेरी जो हाइट है वो 5.6 है देखो, और मेरा पैर फिर भी टच मुश्किल से हो रहा है यहाँ पर। तो मतलब यहाँ पर अच्छा खासा एक पर्सनल स्पेस मिल जाता है अगर आप अकेले हो। और यहाँ पर मैंने ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, डोर लगा दिया, ऊपर से आप ये पर्दा भी ऐसे लगा सकते हैं। तो एक तरीके से आपका ये पर्सनल कैबिन बन जाता है। और अगर मैं आपको यहाँ से बाहर का व्यू दिखाऊं तो गाइस, पर्दा खोलूँगा तो देखना कितनी धूप आएगी। ये देखिए धूप ही धूप है यहाँ बहुत ज़्यादा, और ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से बाहर का। तो ये मानेसर का बाद का व्यू है, ये देखिए। तो ऐसी गाइस हमारी कुछ जर्नी चल रही है आप लोगों के साथ, तो आप लोग भी डिजिटली इंजॉय करिए। और गाइस प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत से लोग मेरी वीडियो देखते ज़रूर हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हाँ गाइस, तो यार अपना तो एक छोटा सा स्टॉप था जो कि लगभग हम आधे घंटे रुके थे वहाँ पे स्टॉप में, ताज रेस्टोरेंट होटल समथिंग। तो यार मैं तो घर से खाना लेकर आया था, तो मैं अभी इस समय खाना खा रहा हूँ। और देखो अपनी पूरी प्राइवेसी यहाँ पे, बगल में प्रॉपर दरवाज़ा है और यहाँ पे कर्टेन है, और मस्त बैठो अपने यहाँ पर। और अपना चल रहा है यहाँ पर लंच, वैसे तो मेरा ब्रेकफास्ट है लेकिन मैं उसको लंच में कर रहा हूँ। और अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो अभी समय 1 बजने वाले लगभग, और जो यहाँ से हमारे यहाँ से टोटल जो डिस्टेंस है जहाँ पर मैं जा रहा हूँ सिंधी कैम जयपुर, तो आप ये देखिए लगभग 98 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर अपना मस्त चल रहा है ये अपना आलू गोभी और रोटी, यही हमारा आज का लंच।
तो लंच करते हैं यहाँ पे। और हाँ गाइस, आपने अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ वीडियो देखते जरूर हो लेकिन यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हो। तो प्लीज़ ज़रा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भाई को ऐसे सपोर्ट दिखाएं। और मैं अगर आपको यहाँ का इंटीरियर दिखाऊँ तो ये देखिए, रही बात इंटीरियर की, तो सामने आप देख सकते हैं वहाँ पे शू रैक है शू रखने का, और एक कोई LED लगा रखी है, और यहाँ पर ये AC का हॉल्ट दे रखा है, यहाँ पर एक स्पीकर है छोटा सा, और यहाँ पर भी AC का है ये, ठीक है। आप इसे अपने हिसाब से बंद खुल कर सकते हैं, और ये अगल बगल में कर्टन दे रखी है, और यहाँ पर यार पीछे दे रखा है एक पावर सॉकेट, ये आप मेरे बिल्कुल पीछे देख पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ का सिस्टम है, ठीक है गाइस। तो मतलब काफ़ी अच्छी प्राइवेसी, अगर आप सिंगल बंदे हो तो बढ़िया, डबल बंदे तो भी बढ़िया, बगल में 2x1 का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। तो चले फिर अपना यहाँ पर ये जो लंच है इसको ख़त्म करते हैं, और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ से आगे के नज़ारे। यहाँ चल रहा है लंच और ये चल रहे हैं यहाँ पे नज़ारे मस्त मस्त। तो चलिए फिर करते हैं इसे कंप्लीट। सो गाइज, ऑलमोस्ट हमें चलते हुए लगभग 5 घंटे हो चुके हैं, ठीक है, और लगभग अभी हम आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। और अगर मैं इस समय टाइमिंग की बात करूँ तो ये देखिए अभी 1:27 हो रहे हैं, और हमारे साथ एक छोटा सा भाई जुड़ा पड़ा है। तो अपना नाम बताओ यार दोस्त। टुगू। टुगू नाम है। तो कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? दिल्ली से आ रहे हैं। और कहाँ जा रहे हो? जयपुर। हाँ भाई, तो ये भी मेरे साथ जयपुर ही जा रहा है, तो अभी नीचे बैठे बैठे बोर हो गया था तो ये इसलिए ऊपर आ गया है ना। कैसा लग रहा है बस में ट्रैवल करते हुए? सही लगा। मजा आ रहा है? हाँ। अच्छा, बाकी आप लोगों को तो मैंने दिखाया कि क्या मस्त, यहाँ से देखो यहाँ मैं बैठ रखा हूँ टॉप पे, ये मेरा U4 बर्थ है, यहाँ मैं बैठ रखा टॉप पे, मेरा U4 बर्थ है, और यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं गाइस, बाहर कितना ही प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। और ये जस्ट मेरे नीचे बैठा है यहाँ पर, यानी कि U4 ये है तो U3 में बैठ रहा है नीचे, है ना। तो ये जयपुर किस लिए जा रहे हो, घूमने के लिए या फिर कैसे? ऐसे ऐसे ही जा रहा है घूमने के लिए। चलो कोई बात नहीं, तो मैंने डुग्गू को बोल दिया है कि भाई ये मेरा चैनल है कमल राज व्लॉग्स, तो इसमें अगर ये देखेगा तो इसकी वीडियो आएगी, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी आगे चलता हूँ यहाँ से, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ आगे की जर्नी। जी हाँ गाइस, तो फाइनली यार अपनी बस ने तो हमें उतार दिया यहाँ पर जयपुर सिंधी कैंप, और जस्ट मैं सिंधी कैंप बस स्टैंड के अपोजिट साइड पर उतरा हूँ। तो फाइनली अब लोग अब यहाँ से देखते हैं कि आगे कहाँ जाना है। बाकी यार ये हमारी बस खड़ी यहाँ पर, तो आई होप सो गाइस आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मैं आपको टाइमिंग की बात बताऊँ, अभी इस समय तो लगभग इस समय 3 बज रहे हैं, वैसे तो 2 बजे का टाइम था, 2:15 बजे का टाइम था बस को यहाँ पहुँचाने का, लेकिन बस ने थोड़ा सा लेट पहुँचाया मुझे यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, तो मिलता हूँ आपसे ऐसे ही दूसरे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए Be happy and be safe. Bye-bye.